ये चलेंगे बेटा। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फिस ऑफ द मून बेटा, ये हम पहले निकालेंगे फिर आगे चलते हैं। जब भी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बच्चों बात करते हो, आपने स्मॉल जी का एक्सप्रेशन बेटी डिराइव किया था दैट, हाँ जी वो तो वैल्यू बोल रहे हो ना, मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, ये आपका फॉर्मूला था, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, और कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ है, एंड कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ है बेटा। अगर आप बेटी मून के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं जी, तो आपको ये सारे मून के पैरामीटर्स इसमें पुट करने पड़ेंगे। आई मीन टू से दैट आपको मास मून का यूज करना पड़ेगा, रेडियस मून का यूज करना पड़ेगा, तो कैपिटल जी तो चलो सेम ही होता है बेटा, और आपका मास ऑफ द मून जो है यू कैन, हाँ जी बेटे आपका पेज नंबर 137 पर उन्होंने लिखा हुआ है टेबल की फॉर्म में, अगर याद रह जाएगा आपको तो दैट्स समथिंग वेरी नाइस, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू दी होगी बेटा। मास ऑफ द मून बेटे जो है कैपिटल एम जो है इट इज बेटा, मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10 डेज पर 22 किलोग्राम। अगर आप कंपेयर करो बेटे, फैन ऑफ कर सकते हैं आप, अगर आप इसको अर्थ के मास के साथ कंपेयर करो तो अर्थ का मास क्रीप इससे 100 टाइम्स ज्यादा है, एस्टिमेटेड वे में कह रहा हूं मैं। सेकंड, आप अर्थ के रेडियस की बात करिए, रेडियस ऑफ द अर्थ आप 6.4 इंटू 10 रेस पर 6 मीटर कहते हो, लेकिन मून का रेडियस इतना नहीं है, 1.74 एंड 10 रेस पर 6 मीटर्स के बराबर लगभग इसका जो रेडियस है मून का ये एस्टिमेटेड है बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, जब आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो एक्सप्रेशन में, आपके पास जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून आ जाता है, इट इज कैपिटल जी आपका 6.67 10 रेस पर माइनस 11 होता है बेटा, और मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10 रेस पर 22, और रेडियस का स्क्वायर 1.74 इंटू 10 रेस पर 6 इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको आपका जो जी का वैल्यू है बेटा ये मिल जाएगा। सो जब हम बेटे बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन के बाद कैलकुलेशन की, तो जी ऑन द मून जो है 6.67 माइनस 11 36 22 स्क्वायर में कंप्लीट कर रहा हूं, 1.74 पावर 6 1.74 अगेन पावर 6 क्योंकि स्क्वायर था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ऐसी कैलकुलेशन आपको आ जाए जिसमें 10 की पावर्स इन्वॉल्व रहती हैं, पावर्स को अलग ले जाते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को अलग रख लेते हैं, टेक्निक है सॉल्व करने का बच्चों। तो जी मून पे आपके पास आ गया 6.67 को हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही रख लिया, और आपका 7.36 भी ऐसे ही रख लिया हमने बच्चों। डिनोमिनेटर में डियर चिल्ड्रन आपका 1.74 है, ये हमने कुछ नहीं कहा, इसको भी ऐसे रख लिया, अगेन 1.74 है, लेट इट बी एज सच। 10 की पावर हमने इकट्ठी करनी सारी, आइए देखिए 10 की पावर, एक तो बहुत बढ़िया आपको तो सारा ही आता है, वेरी नाइस बेटा। तो जो आपकी नेगेटिव पावर्स हैं इनको आप बेटा अलग से ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव पावर्स को अलग से ऐड कर लीजिए, और आपको आपका जी का वैल्यू मिल जाएगा। आइए शॉर्ट कैलकुलेशन करके देखें, परफॉर्म करके देखें, नहीं रब नहीं करता बेटा मैं इसको।
ये देखिए 6 और 6 12 और ये -11 -23 हो गया ना। yes, इसको रब करके 23 माइनस का लिख दूं और ये प्लस का 22 -1 बचा। yes. तो ये सारा ही आपका 10 की पावर -1 हो गया बेटा। और जब आप ये देखोगे डिनोमिनेटर को उत्तर ध्यान देना जरा 7 × 6। मैं अंदाजे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं 7 × 6 = 42। लेकिन क्योंकि पॉइंट्स में भी है इट विल बी मोर देन 42। 42 से लेकर 49 तक वैल्यू वेरी करेगी इसकी। डिनोमिनेटर में 2 से छोटा है ये, लगभग 4 मैं कह देता हूं, राइट बेटा। तो आप 40 को 4 से लगभग डिवाइड कर लीजिए बेटा और पावर ये -1 है तो 0.4 के करीब करीब अंदाजे से वैल्यू कह रहा हूं। लेकिन जब आप घर पे जाकर एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो आप इन फैक्टर्स को जब पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे आपका स्मॉल जी का वैल्यू बच्चों मून पे जो है इट विल बी 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ आपको मिल जाएगा। इस चीज को आपने नहीं भूलना बेटा। तो मैं अगर इसको ऐसे भी बेटे लिखा जा सकता है कि आपका जो जी है मून की सरफेस पर इट इज जी ऑन द अर्थ डिवाइडेड बाय 6, आप ऐसे लिख सकते हो। या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, आप जी मून पर निकालने के लिए 1/6 × 9.8 कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप आगे डेसिमल्स तक निकाल सकते हैं, ये आपकी जी की वैल्यू मून पे आ जाती है। अगर हम एक स्टेप और आगे चल पड़े बेटा, आप इस जी की वैल्यू जो आपने अभी अभी मे बी यहां पे या यहां पे ऑब्टेन की है, इसको बच्चों मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपके पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटे बन जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूं बेटा, जी आपका मून पे, ये आपका 1/6 टाइम्स जी आपका अर्थ पे, मैंने ऐसे लिख दिया। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये लीजिए मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। तो ये बेटे आपके पास बन गया वेट ऑन द मून, ये इनको मल्टीप्लाई करके बन गया वेट ऑन द अर्थ। तो 1/6 को हमने कुछ भी नहीं कहा, तो ये आपके पास बेटा वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऐसे निकल जाएगा। एक बात मेरी याद रखिएगा पुत्र, मास जो है कभी भी नहीं बदलता, कहीं भी नहीं बदलता। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का अर्थ की सर्फिस पे है, मून पे भी वो 1 किलोग्राम का ही होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोग्राम का अर्थ की सरफेस पे, वहां पे भी 10 का ही रहेगा। अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पर 50 न्यूटन की है, वो 50 न्यूटन की वहां पे नहीं होगी, बिकॉज यस वहां पे जी आपका कम है, राइट बेटा। तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके साथ रिलेटेड करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, राइट बेटा। ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ आ गया? अगर आप अर्थ की सरफेस पर 2 मीटर तक जंप कर सकते हैं तो मून की सरफेस पे कितना जंप कर सकते हैं? नो नो नो, आप अर्थ की सरफेस पर 2 मीटर की हाइट तक जंप कर सकते हैं। हाँ जी, नो, 6 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ इतना कहना है आप ज्यादा हाई जंप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नहीं नहीं बेटे, वो जी है ना, इतना आप अर्थ की सरफेस पे जितना जंप कर सकते हो, आप उसके कंपैरेटिवली मून की सरफेस पर बहुत ज्यादा हाई जंप कर सकते हैं, बिकॉज मून आपको कम फोर्स के साथ खींच रहा है अपनी सेंटर की तरफ, राइट। हाँ जी गुड़िया, चले आगे। कुछ कह रही है ये, हाँ क्या, एक मिनट, मौसम बदल रहा है, फैन बंद ही कर दो बेटा।
नहीं, कम करना बंद करना है। आप पीछे चले जाइए विंडो के पास, देखिए मौसम में बेटा स्लाइड सा चेंज है। लिसन, मौसम में थोड़ा सा चेंज आ रहा है ताकि हमारा बॉडी प्रॉपरली एडजस्ट कर जाए। तब तक आप वेट कर लीजिए, फैन ठीक है कोशिश कर लीजिए अवॉइड किया जा सके। आपके फायदे के लिए कह रहा हूं मैं। लिखिएगा एक क्वेश्चन, यस बेटा नोट कर लीजिएगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 किलोग्राम। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 किलोग्राम। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 किलोग्राम, राइट बेटे? कैलकुलेट, लिखिएगा कैलकुलेट। नंबर वन, इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ मून। एक मिनट पुत्र, एक मिनट रुकिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तीन चीजें, हाँ वो करके बताइए। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जैसे मर्जी लिख लो। मून पर सरफेस ऑफ द मून पे, ठीक है बेटे, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने कैलकुलेशन कर लिया, नाइस बेटा। मास में बच्चों कोई चेंज नहीं आता, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आप कहीं भी चले जाएं सेम रहता है। सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ये आपका 10 केजी ही रहेगा। और मिलन उसको ग्राम में बदलना चाहता है तो इसकी खुशी की बात है। आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मिलीग्राम में कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्विंटल्स में कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूनिट चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, यू आर अलाउड, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में जो कॉन्टेंट है वो नहीं बदलेगा, राइट बेटा? वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डब्ल्यू आपका एम इंटू जी होता है, एम पुत्र आपके पास है 10 के जी, जी 9.8, दिस इज 98 न्यूटन, राइट? यस सर। बेटे आप थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करोगे, चाहिए पुत्र? एक मिनट बेटे, एक मिनट, एक मिनट, बोलो जी। वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, बैठिए। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, 1/6 टाइम्स, गुड। हाँ 16, यस। वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून आपके पास आ जाएगा 1/6 टाइम्स वेट ऑन द अर्थ। दिया ने निकाला है कितना बेटा, निकला 16.3 न्यूटन निकाला है। बाकी बच्चे चेक कर लीजिए, 1/6 इंटू 98 न्यूटन, 16.3 आ रहा है सबका उत्तर, सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलें आगे, एक मिनट रुकना है, कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। और मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिएगा बेटे, सारे स्टूडेंट्स कल सिलेबस को जरा देख के आइएगा, एक बार पढ़ के आइएगा। आपके ग्रुप में मैंने सिलेबस डाला हुआ है, एक बार देख के आना कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आई जस्ट मीन टू से दैट कि सिलेबस को देखते रहा करो, राइट? क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज का पहले ये करेंगे फिर आगे चलेंगे। ये बच्चा कुछ कहना चाहता है, बोलो बेटा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दो।
इस क्वेश्चन का? ये वाला? यस सर। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन ये था, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 kg, कैलकुलेट इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ द मून, इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। बैठ जाओ अब। क्वेश्चन नंबर वन आपकी एक्सरसाइज का जो है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। आइए आपको एक मैं करूंगा, फिर आप आपसे भी एक करवाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी बुक का मैं कर रहा हूं एक्सरसाइज का एसएच, फिर थोड़ा स्टेटमेंट बदल के आपको एक और देता हूं। फर्स्ट है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, बेटे कैसे चेंज करेगा व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ देयर इनिशियल वैल्यू। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, करके देख लीजिए एक बार, स्टेप्स करके देख लीजिए। आपके पास ये इमेजिन कर लीजिएगा दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है, सेकंड का मास जो है लेट इट बी m2 बेटा, एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू स्मॉल r आपको दिया हुआ है। बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में कितना होगा? सेकंड लास्ट स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स कितना होगा? हां जी, तो सुनो ध्यान से बैठ के, फिर डोंट बी इन्वॉल्व इन टॉकिंग, सिट डाउन। यस, मैं एफ कह रहा हूं जी, नहीं कह रहा हूं कौन सी एम जी, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं, ग्रेविटी की फोर्स की नहीं। बैठ जाइए आप। यस, वेरी स्ट्रेंज, सिट डाउन। आप क्या बता रहे हो, मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या बता रहे हो आप? मैंने जी पूछा है बेटी, क्या कर रहे हो आप? आपका ध्यान नहीं है काम में, यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, बार बार बोली जा रहा हूं मैं। ठीक है, जिनको आता है अच्छी बात है। एफ आपका जो है जी आर स्क्वायर, इसके बराबर होता है। आपने ये कहा मेरे तक पहुंचता पहुंचता वो बदल गया होगा, है ना? अब वही आप तो यही बोल रहे हैं, मेरे तक पहुंचता पहुंचता वो बदल गया, मुझे कुछ और सुनाई दे दिया। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन, राइट बेटा? अब आपको देखो, उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है कि डिस्टेंस को वन हाफ कर दिया गया है, तो बेटे डियर चिल्ड्रन न्यू डिस्टेंस कितना हो गया फिर? आर डैश कह देते हैं, इट इज वन हाफ ऑफ आर हो गया, है ना बेटा? तो न्यू फोर्स भी निकालनी पड़ेगी, न्यू बिल्कुल लिख सकते हैं, ये लो लिख देते हैं, ये लीजिए, राइट, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डियर चिल्ड्रन आपके पास एफ डैश कह दें, और एफ डैश आपका किसके बराबर होगा? एक मिनट, अब लिखवा दीजिए आप,
उठ जाइए, बड़े अच्छे बच्चे हैं। हाँ हाँ ओवर आर्स के में ना आएगा, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। आर डैश आएगा, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। थोड़ा सा अपने माइंड को कंसंट्रेट करके बैठा करिए, राइट। दिस इज जी एम वन एम टू अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब आर डैश की वैल्यू बच्चों आपको दी हुई है, पुट कर दें। वेरी नाइस, एफ डैश ये आ गया जी एम वन एम टू अपॉन आर अपॉन टू का स्क्वायर। आपने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, बहुत बढ़िया। जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे स्टेप्स एक बार लिखने दो ना, आप एक बार समझ लो फिर आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा फिर। एफ डैश ये फोर आपका डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, इसको एडजस्ट कर लीजिए ऐसे। अरे आ गया, आपको इक्वेशन नंबर वन को यूज कर लेना यहाँ पे, तो यू विल राइट यूजिंग इक्वेशन वन एफ डैश दिस इज फोर टाइम्स एफ। ये आपकी जितनी भी फोर्स ऑलरेडी थी उसके चार गुना फोर्स आपको लग के यहाँ पे मिल रही है, राइट। सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक न्यूमेरिकल आपके लिए दे रहा हूं, आई होप कि आप करोगे, ठीक करोगे बच्चों। लिखवाऊं? हाँ? क्या इसमें क्या समझाना, उन्होंने कहा कि हाफ है पहले का, तो हाँ तो हाफ कर दिया हमने, ठीक है। एक लिखिए बेटे, आपकी बुक में नहीं, अपनी तरफ से बोल रहा हूं मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा आगे हो जाए, कोई बात नहीं। लिखिएगा टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस 5 kg and 10 kg, 5 kg and 10 kg are placed at a distance of, are placed at a distance of 2 meters from each other. Two masses having the values 5 kg and 10 kg are placed at a distance of 2 meters from each other. Where should an object, write down putar, where should an object of mass 3 kg, where should an object of mass 3 kg be placed on the line joining the centers of the given masses? Where should an object of mass 3 kg be placed on the line joining the centers of the two masses such that it experiences, such that it experiences no gravitational force, such that it experiences no gravitational force. पहले मुझे ये बताइए, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? सुनिए जरा, ये न्यूमेरिकल की टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये एक 5 kg का मास यहां लिख दिया मैंने, एक 10 kg का मास लिख दिया। इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है सेंटर से सेंटर तक 2 meters लिख दिया। इनको यही लाइन ज्वाइन कर रही है,
इस लाइन पर 3 किलोग्राम का मास प्लेस करना है कहीं पे, हमें नहीं पता कहां करना है, ये ऐसे प्लेस करना है कि इस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ना करे। थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, आवाज बहुत आ रही है। राइट बेटा, 3 किलोग्राम का मास आपने ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस रख दिया, इस पर इसकी वजह से एंड इसकी वजह से नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होना चाहिए। समझ आ गया बच्चों को? हाँ जी, सजेशन आपका क्या है, फिर कैसे करें? निकाल लिया, आगे बैठिए बैठिए बैठिए, गुड। हाँ, ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस, आपका मेथड बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आर की वैल्यू कैसे लेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डाउट है मुझे। प्लीज स्टैंड अप, यस बोलिए अब। हाँ कितना है ये, यही पूछ रहा हूँ मैं एग्जैक्टली। नहीं हमने हाफ कहा ही नहीं है, हमने कहा कि कहीं पे रखा है, वो डिस्टेंस ही तो हमें कैलकुलेट करना है। हम ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं बेसिकली। बोलो बोलो, शाबाश, उठ जाइए आप, बैठ जाइए, प्लीज स्टैंड अप। ओ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो उसने दिया ने क्लियर कर दिया, दैट्स राइट, गुड नाइस। आप कुछ कहना चाहते हैं? किसको एक्सलेट करें, किन के बीच में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इनके बीच में डिस्टेंस हमने बोल दिया एक्स मीटर्स, प्लीज अवॉइड इट। मिलन कहाँ है, उठ जाओ। ये कितना रह गया डिस्टेंस, ये और नहीं कोई बोलेगा बच्चा, एक मिनट, वो भी एक्स ही रह गया, बैठ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड, अरे टोटल 2 था, उसमें से एक्स निकल गया, बाकी कितना रह गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, 2 - x के बराबर का डिस्टेंस रह गया, राइट? अरे टाइम बड़ी जल्दी हो रहा है आज भाई। इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स, इट विल बी इक्वल टू एफ जी, 5 किलोग्राम का m1, 3 किलोग्राम का m2 और x का स्क्वायर f। आप एक रुक जाओ, जरा भी रुक जाओ, 3 × 5 × g डिवाइडेड बाई x स्क्वायर कर दूं, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, दैट विल बी जी, एक मिनट बेटे, एक मिनट आपका लूंगा, प्लीज, g × 10 × 3/2 - x का स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इसको और इसको, इसको और इसको, ये आप एक मिनट थोड़ा शांति रखिए प्लीज। 5 × 2 = 10, 3 कट गया, जी भी कट गया, ये आ गया 1/x का स्क्वायर, देखना कोई टर्म ज्यादा ना कट जाए, 2/2 - x का स्क्वायर आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे कि मैं कर दूं? कर दो सर, कर दें, ठीक है ना। इसको 2 को देखिएगा जरा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, √2 कहते पहले कहते लिख दो, ऐसे लिख रहा हूं मैं, √2 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, है ना। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, आप एक मैथ में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगर पावर सेम है तो बेसिस भी सेम होंगे, इसलिए मैंने ऐसे किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1/x जो है √2/2 - x के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है,
टू माइनस एक्स बन गया रूट टू एक्स के बराबर, एक्स को उधर ले जाएंगे, टू आ गया रूट टू प्लस वन इंटू एक्स, रूट टू की वैल्यू याद है बोल दीजिए 1.414, उसमें एक और ऐड कर दिया 2.414 हो गया, सो 2 इज इक्वल टू 2.414 इंटू एक्स, एक्स इज 2 अपॉन 2.414, आपको ये डिस्टेंस मिलेगा, ये आप 2 में से माइनस करके निकाल लेना। थैंक यू ऑल बेटा।